हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस एक्सेल वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप एक्सेल के अंदर दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को आपस में कनकटनेट कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल 2019 से पहले के वर्जन्स में अगर आप कनकटनेट करना चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कनकटनेशन ऑपरेटर, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, और दूसरा ऑप्शन है कनकटनेट फंक्शन। जबकि अगर आप एक्सेल 2019 या उससे ऊपर के वर्जन्स में काम करते हैं तो आपके पास एक नया फंक्शन कनकटनेशन के लिए मिला है, कनकेट फंक्शन, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग कनकटनेशन ऑफ स्ट्रिंग सीखेंगे, आइदर यूजिंग ऑपरेटर और यूजिंग कनकटनेट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा डिजाइन कर रखा है, जिसमें मैंने टाइटल लिया है, फर्स्ट नेम लिया है, मिडिल नेम लिया है एंड लास्ट नेम लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे टाइटल में मिस्टर रखा है, फर्स्ट नेम में सचिन रखा है, मिडिल नेम में रमेश रखा है और लास्ट नेम में तेंदुलकर रखा है। और फुल नेम जो आपको ज्वाइन करने के बाद, कनकटनेट करने के बाद निकालना है, वो इस केस में मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर निकालना है। ओके, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कनकटनेट ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं। देखिए, जहां पे फुल नेम जिस सेल में निकालना है उस सेल को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप टाइप करेंगे इक्वल। अभी आपको, आपके पास ये टाइटल ए टू में रखा हुआ है, तो आपने यहाँ ए टू सेल को सेलेक्ट किया, या आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं ए टू। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि कनकटनेशन ऑपरेटर को टाइप किया। उसके ठीक बाद फर्स्ट नेम वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया, या मैनुअली टाइप भी आप कर सकते हैं। फिर मैंने कनकटनेशन ऑपरेटर दिया, फिर मिडिल नेम वाले सेल को सेलेक्ट किया, फिर मैंने कनकटनेशन ऑपरेटर दिया, और फाइनली लास्ट नेम वाले सेल को सेलेक्ट करके अभी मैंने इंटर प्रेस कर दिया। देखिए, यहां पे मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर ये चीज आ गया, लेकिन ये ज्वाइन होके कनकटनेट होके सामने चला आया है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां मिस्टर और सचिन के बीच स्पेस नहीं है, सचिन और रमेश के बीच भी स्पेस नहीं है, और रमेश और तेंदुलकर के बीच भी स्पेस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, मिस्टर जो मैंने टाइप किया है, मिस्टर के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया है, जो कि ऐसे ही आपको डाटा मिल सकने की संभावना है। सचिन के पहले भी मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। अभी मैं इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, आपके सारे सेल्स में जो है वो फुल नेम आ चुके हैं। लेकिन यहां ये प्रॉब्लम है कि दो अलग अलग पार्ट ऑफ द नेम के बीच में स्पेस नहीं है, तो ये चीज कैसे लाएंगे, इसको चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पे अभी मैंने लिखा इक्वल्स ए टू, फिर मैंने कनकटनेशन ऑपरेटर दिया, डबल कोटेशन में मैंने एक स्पेस दे दिया और डबल कोटेशन को बंद कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि टाइटल के बाद एक स्पेस आए। उसके बाद फिर मैंने एम्परसन दिया, फिर मैंने बी टू लिखा, फिर मैंने एम्परसन दे के एक स्पेस दे दिया, फिर मैंने एम्परसन सी टू लिखा, फिर मैंने एम्परसन दे के एक स्पेस दे दिया, और फाइनली एम्परसन लिख के मैंने डी टू दे दिया। मैंने क्या किया, पिछले मेथड से इस मेथड में ये फर्क है कि मैंने बीच में दो सेक्शन के बीच में, दो कॉलम के बीच में मैंने कनकटनेशन ऑपरेटर का सहारा लेके स्पेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अभी आप देख रहे होंगे आउटपुट में कि मिस्टर और सचिन के बीच में स्पेस आ चुका है, सचिन और रमेश के बीच में भी स्पेस आ चुका है, रमेश और तेंदुलकर के बीच में भी स्पेस आ चुका है। अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी करता हूं, देखिए आपके सामने सारे नेम फुल नेम में जो है स्पेस आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो नेम को कनकटनेट करने के लिए हम लोग कनकटनेट फॉर्मूला का, कनकटनेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा सेल के अंदर इक्वल्स कनकटनेट, और यहां पे ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर कॉमा ए थ्री ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी टू कॉमा डी टू, ऐसा आपने लिख दिया। चूंकि हॉरिजेंटली आपको कनकटनेट करना है, मिस्टर के साथ सचिन, मिस्टर सचिन के साथ रमेश, और मिस्टर सचिन रमेश के साथ तेंदुलकर को ऐड करना है, कनकटनेट करना है, ज्वाइन करना है। जैसे ही ऐसा लिख के आप इंटरप्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने कनकटनेशन के साथ फुल नेम आ चुका है। लेकिन यहां भी सेम प्रॉब्लम है जो यहां पे था जब मैंने कनकटनेशन ऑपरेटर का यूज किया था, कि नाम जो है दो नेम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, टाइटल एंड फर्स्ट नेम के बीच स्पेस नहीं आ रहा, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम के बीच स्पेस नहीं आ रहा। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले शीट पर मैंने डेटा ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है, मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल्स कनकटनेट, और मैंने टाइटल वाले सेल का एड्रेस डाला, कॉमा डबल कोटेशन में मैंने स्पेस डाल दिया, कॉमा मैंने लिखा बी टू, कॉमा फिर मैंने स्पेस डाल दिया, फिर मैंने लिखा कॉमा सी टू, कॉमा फिर मैंने स्पेस डाल दिया,
और फाइनली कॉमा के बाद मैंने लिख दिया D2। और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए आपके सामने जो रिजल्ट है उसमें टाइटल और फर्स्ट नेम के बीच स्पेस है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम के बीच स्पेस है, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम के बीच स्पेस है। ऐसा करने के बाद आप इस फॉर्मूला को जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं या आप कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करते हैं, जो भी मेथड आपका आपको अप्लाई करना है, देखिए आपके सामने जो है ये ज्वाइन होके कंकटनेट होके रिजल्ट आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है ये मैंने बोल्ड कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट है इसमें ये प्रॉब्लम था कि बीच में स्पेस नहीं था, और यहाँ पे जो रिजल्ट है इसको भी मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया था वो स्पेस वाला प्रॉब्लम, और यहाँ पे जो रिजल्ट है इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को दो तरीके से कनकटनेट कर सकते हैं। जो पहला तरीका है उसमें आपने ऑपरेटर का यूज किया, कनकटनेशन ऑपरेटर का यूज किया, जबकि दूसरे तरीके में आपने कनकटनेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। ओके, आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक न्यू फंक्शन के बारे में टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। ये जो फंक्शन है इसका नाम है कनकेट फंक्शन, और ये एक्सेल 2019 या उससे आगे के वर्जन में अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट कि कैसे दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को आप आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी मैं अपडेट दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।